Hey guys, this is Karan Tiwari. Welcomes you to KT Creators. Hope you all are doing absolutely fine. दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक और प्रमुख हैं। उन्होंने पहले 1987 और 1988 के दौरान लोकदल और जनता पार्टी की अध्यक्षता की। आज की इस वीडियो में हम अजीत सिंह के बारे में आपको कुछ खास बात बताने वाले हैं। अजीत का रियल नेम था अजीत सिंह। उनका जन्म 12 फरवरी 1939 को हुआ था मेरठ में। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नेम था राष्ट्रीय लोक दल पार्टी। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी IIT खड़गपुर से बीटेक में। प्रोफेशन से एक पॉलिटिशियन थे। आइए आपको मिलवाते हैं अजीत सिंह की फैमिली से। इनके फादर का नेम था स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनकी मदर का नेम था श्रीमती गायत्री देवी और इनकी वाइफ का नेम है राधिका सिंह, जो की प्रोफेशन से एक हाउसवाइफ है। इनके एक पुत्र है जिनका नेम है जयंत चौधरी और दो बेटियां भी हैं। अजीत सिंह अपनी फैमिली के साथ तुगलक रोड नई दिल्ली में रहा करते थे। चलिए बात करते हैं इनकी राजनीतिक जीवन के बारे में। इन्होंने कैसे अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। यह 1986 में वो सिलेक्ट हुए राज्यसभा के लिए, क्योंकि उनके फादर बीमार हो गए थे और उसके अगले साल यानी 1987 में वो लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट बने और उसके अगले साल यानी 1988 में भी वो जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए और 1989 में वो सिलेक्ट हुए सेक्रेटरी जनरल के लिए जनता पार्टी के। और ऐसी ही 1995 में वो फूड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने। और ऐसे ही अजीत सिंह ने बहुत सालों तक देश की सेवा की और साल 2019 में उन्होंने मुजफ्फरनगर की तरफ से लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़े थे पर हार गए। चौधरी अजीत सिंह ने 2020 के फार्म बिल के खिलाफ भी लंबे समय तक किसानों का समर्थन किया था। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में कोरोना फैला हुआ है, तो उन्होंने 20 अप्रैल को अपने कोरोना की जांच कराई और वो पॉजिटिव निकले और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया था। और 6 मई 2021 को वो गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में अपने जीवन से जंग हार गए और उस दिन उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। और अगर बात करें अजीत सिंह की कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास बहुत सारी लग्जरी कार मौजूद थी। इनकी फर्स्ट कार थी मर्सिडीज बेंज ई क्लास, जिसकी कॉस्ट थी 80 लाख रुपीज। इनकी सेकेंड कार थी BMW M5 और इनके पास एक रेंज रोवर भी थी जिसकी कॉस्ट थी 2 करोड़ रुपीज। अब चलिए बात करते हैं अजीत सिंह के प्रॉपर्टीज के बारे में। इनके पास बहुत सारे आलीशान घर और बंगले थे मेरठ और दिल्ली में, जिनकी कीमत करीबन 50 करोड़ रुपए है। और अगर बात करें अजीत सिंह की नेटवर्थ की, तो 2021 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ थी 100 करोड़ रुपीज। तो गाइज, ये थी एक और छोटी सी वीडियो अजीत सिंह के ऊपर। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा RIP अजीत सिंह।